दीदी की यादगार फोटो। चलो देखते हैं। फिर उस आदमी ने कहा कि तुम अगर छलांग लगाओगे तो नीचे नहीं सीधा ऊपर जाओगे। मम्मी कल संडे है, क्या मैं मूवी देखने जा सकती हूँ? हाँ मूवी। हाँ हम सब मिलकर सिक्स ईयर की एक अच्छी मेमोरी बनाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, ठीक है जाओ। थैंक यू। और मम्मी मुझे ना वो ड्रेस पहननी है। तुम्हारी फेवरेट ड्रेस? सुनिए एक मिनट, आपको शिमोजू के लोकल मूवी थिएटर में जाने के लिए ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है। वो शो देखने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम एक यादगार फोटो लेंगे, इसीलिए योशिको-सान और मैं अच्छी ड्रेस पहनने वाले हैं। अच्छा यादगार फोटो। अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ। ऐसा लग रहा है कि दीदी तो कल ही ग्रेड स्कूल में गई थी। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, मुझे पता ही नहीं चला और वो सिक्स ग्रेड में आ गई। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तुम उसकी आंटी हो क्या? योशिको-सान तो ये भी कह रही थी कि आज वो ब्यूटी पार्लर जाने वाली है। ब्यूटी पार्लर? योशिको-सान तो बहुत एक्साइटेड है ना। लेकिन मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने रेगुलर हेयर स्टाइल के साथ ही ठीक हूँ। अरे दीदी सुनिए, अगर आप ब्यूटी पार्लर जाएंगी तो आप भी फैशनेबल लग सकेंगी। क्या? इसे देखिए, आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहती लेकिन आप एक बार इसे ट्राई करके तो देखिए। वैसे भी आप अपनी फेवरेट ड्रेस पहनने वाली हैं। क्या? मैं ऐसी ही ठीक हूँ। एक यादगार फोटो पूरी जिंदगी भर अहमियत रखती है। क्या आप अपनी यादगार फोटो के लिए अच्छे से तैयार नहीं होना चाहती? जिंदगी भर याद रहेगी। वाओ ये कितना क्यूट लग रहा है। लेकिन ये तो ब्यूटी पार्लर जाए बिना पॉसिबल नहीं है। ये वाला भी अच्छा है। मैं तो कह रही हूँ ये भी पॉसिबल नहीं है। अरे ये आप पे जरूर अच्छा लगेगा। इसे तो हम लोग घर में भी कर सकते हैं। वो तो है लेकिन आप इसे ट्राई क्यों नहीं करती? क्या अभी? बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा अच्छा है या नहीं? वो तो है लेकिन इस मॉडल के फेस पर तो ये अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपके फेस पे कैसा लगेगा। ऐसा मत बोलो। जो भी हो चलिए ना ट्राई करते हैं। तो फिर ठीक है मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा लगेगा। मुझे दिखाओ, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर इस तरह, शायद हो गया। वाव ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ। सच में ये तो अच्छा लग रहा है। कभी कभी मारुको की बातें सही होती है। और अगले दिन। ओह तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। ओह तुम कितनी प्यारी लग रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो। तुम किसी टीवी सेलिब्रिटी की तरह लग रही हो। सच में अच्छे कपड़ों में सभी अच्छे लगते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? आज तो मजा आ गया। यहाँ हमारे पास आओ। हाँ। और थोड़े से करीब आओ। नेगीशी तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ दिनों के बाद। हाय दीदी। हाय। हाँ? स्वीट पोटैटोस तैयार है, आ जाओ। हाँ? मुझे नहीं खाना। क्या? मुझे भूख नहीं है और मुझे अपना होमवर्क करना है। साकी को नहीं आई? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो स्वीट पोटैटोस बहुत पसंद है। हाँ हो सकता है वो डाइट पे हो। डाइट पे? आपको पता है ना दीदी जिस एज में है शायद उन्हें अपने वेट की फिक्र हो रही होगी। ऐसा नहीं है। वो तो बिल्कुल भी मोटी नहीं है। ये कितनी अजीब है ना, दीदी बिल्कुल फिट है फिर भी डाइट पे है और मम्मी जिन्हें डाइट पे होना चाहिए वो हमेशा खाती रहती है। मॉम इस कमेंट के लिए तैयार नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं बिना डाइट किए भी बहुत फिट हूँ। हाँ बिल्कुल मारुको, तुम्हारी मॉम ऐसी ही बहुत अच्छी है। अगर वो स्लिम हो गई तो वो तुम्हारी मॉम नहीं लगेंगी। पापा आप भी। सुनो मारुको, स्लिम मॉम तुम्हारी मॉम नहीं लग सकती। मॉम्स को तो मोटा ही होना चाहिए। हाँ,
साकी को, तुम्हें पोटैटोज नहीं खाने? क्या बात है? तुम्हें अभी से डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, ये तो तुम्हारे खाने की उम्र है। क्या डाइटिंग? इस उम्र में तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, भले ही इस कारण तुम थोड़ी हेल्दी हो जाओ। मैं तो डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। क्या? हाँ, आप नहीं हैं? मारुको, ये सब बातें तुम कह रही थी ना? I'm sorry मम्मी, लेकिन मुझे आज बिल्कुल भी भूख नहीं है। हाँ, अभी मुझे याद आया, आपने कहा था। अच्छा, ऐसा है, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी, शुक्रिया मारुको। सुनो मारुको, तुम मुझे कैरेट छीलने में मदद करो। क्या कहा? मैं? तुम्हारी दीदी तो होमवर्क कर रही है, लेकिन तुम तो फ्री हो। मैं फ्री नहीं हूँ, देखिए मम्मी, अभी तो मैं टीवी देखने के बारे में सोच रही थी। ये काम उतना भी जरूरी नहीं लगता। कोई बात नहीं मम्मी, मेरा होमवर्क हो गया है, मैं कर दूंगी। ओह, तुम श्योर हो? शुक्रिया। बच गई। हाँ? ये क्या है? अरे ये तो कैसे हुई मेरी चीजों को देखने की? I hate you! दीदी, वो शुरू हो गए? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? दीदी ने मुझे मारा। लेकिन वो क्यों रो रही है, जबकि मार तो तुम्हें पड़ी है ना? वो फोटो। अच्छा, तो ये बात है। और हवा को भी उसी समय चलना था। ऐसे बाहर फोटो लेने से कुछ भी हो सकता है। अब ये जिंदगी भर के लिए हमारी यादगार फोटो रहेगी। जिंदगी भर? ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये तो तुमने ही कहा था। चिंता मत करो साकी को, कोई तुम पे कभी नहीं हंसेगा, रो मत। लेकिन मारू को तो कितने जोर से हंस रही थी, सभी इसे देखकर बहुत हंसेंगे। लेकिन असल में ये हेयर स्टाइल करना मारुको का ही आइडिया था। ये तुम्हारी गलती है मारुको, आई हेट यू। क्या? लेकिन ये तो हवा की गलती है। अब इस फोटो की वजह से सब मुझे जिंदगी भर मूंछों वाली साकी को बुलाएंगे। मूंछों वाली साकी को? तुम हंसी, तुम फिर से हंसी। सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। मारुको, देखिए देखिए। मारुको, तुम ये सब क्या कर रही हो? अगली बार मैं भी इस फेस के साथ फोटो लूंगी। बेवकूफ मत बनो, अगली बार से तुम्हारा मतलब? अगली बार मतलब अगली बार। ठीक है, मैं भी ऐसा करूंगा। क्या? क्या कर रहे हैं? पापा बस कीजिए। मैं भी अपने सीनियर सिटीजन्स क्लब की यादगार फोटो ऐसे लूंगा। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। वाह दादाजी, आप तो जवान लग रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? मारुको, तुम्हारी मूछें भी बहुत अच्छी हैं। मुझे पता है। ये बहुत किसीनी हरकत है। बस बहुत हो गया। मम्मी, स्वीट पोटैटोस है क्या? मुझे अब बहुत भूख लग रही है। हाँ बिल्कुल। और अगले दिन सच में वो फिर से फोटो लेने वाले हैं। हाँ, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कुछ लोगों की आंखें बंद है। हमने डिसाइड किया है कि हम फिर से फोटो लेंगे। मुझे सुनके खुशी हुई। क्या आप फिर से तैयार होने वाली है? नहीं, मैं रेगुलर स्टाइल में जाने वाली हूँ। मैं फिर से मूछों वाली साकी को नहीं बनना चाहती। तुम तैयार होने पर बहुत क्यूट लगती हो, लेकिन अपने रेगुलर स्टाइल में भी तुम बहुत सुंदर लगती हो। थैंक यू। कभी कभी नॉर्मल रहना ही सही रहता है। आप तो बहुत समझदार हो गई है। लेकिन ये बात बोल कौन रहा है? नॉर्मल और नेचुरल रहना ही सबसे बेस्ट स्टाइल होता है।
लेकिन तुमुजो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी फोटो ले सकते हैं? हाँ जरूर। थैंक यू। सब बोलो चीज। सकी को इस चीज को लेकर इतना रो रही थी, लेकिन जब किसी और के साथ होते हुए देखा तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तामाचन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? चलो देखते हैं। उस दिन द ड्रिफ्टर्स का शो कितना फनी था ना? हाँ, नाकामोटो कोजी जिमनास्टिक में बहुत अच्छा है। ये मारुचेन, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। दरअसल मॉम मुझे आजकल कुसुदमा बनाना सिखा रही है। नहीं, ये तो बिगड़ गया। I'm sorry, तामाचन। कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो मारुचेन। कुसुदमा? तामाचन वो बनाना सीख रही थी। मैंने भी पहले कुसुदमा बनाया है। सच में? आप उसे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ऐसे करो। मैं ट्राई करती हूँ। इस पार्ट को ऐसे फोल्ड करो। अरे ये हो गया। अजीब है। ऐसे बहुत सारे बना के बॉल का शेप देना होगा और फिर इसे एक धागे से लटकाना होगा। इसे बनाना तो बहुत मुश्किल है। मुझे तामाचन के लिए सच में बुरा लग रहा है। तुमने क्या किया? तामाचन भी कुसुदमा बना रही थी, मैंने उसे बिगाड़ दिया। लेकिन तामाचन नाराज नहीं हुई और उसने मुझे माफ कर दिया। तुमने उसे क्यों बिगाड़ा? वो मैं द ड्रिफ्टर्स का जिम्नास्टिक्स ट्राई कर रही थी, मैंने ये किया था। फिर मैंने पोज दिया तब। ये तो ड्रिफ्टर्स है, मैं भी ट्राई करता हूँ। नहीं दादाजी, मैंने कितनी मुश्किल से ये बनाया था। I'm sorry, मारुको, मुझे माफ कर दो। मारुको, दादाजी ने ये जानबूझकर नहीं किया है, तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कहीं तामाचन भी तुमसे नाराज तो नहीं है? देखो, दादाजी ने तुम्हारी अजीब सी ओरिगेमी को बिगाड़ दिया तो तुम कितनी नाराज हो गई। हाँ शायद तामाचन बहुत अच्छी है, इसीलिए वो तुम पे चिल्लाई नहीं। अगर ऐसा सोचो तो उस समय तामाचन बहुत दुखी लग रही थी। देखा तुमने? अरे नहीं, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम ऐसी बातें मत बोलो। नहीं दादाजी, शायद तामाचन को भी ऐसा ही लग रहा होगा। ओह गॉड, मैं तो मारुचेन से परेशान हो गई हूँ। क्या मैं तामाचन से बात कर सकती हूँ? ओह मारुचेन, आई एम सॉरी, वो तो अभी बाहर गई है। हाँ? वो इस समय बाहर गई है? शायद वो गुस्से के कारण मुझसे बात करना नहीं चाहती। और अगले दिन बहुत लेट हो गई, मुझे जल्दी करना होगा। ऑल राइट, सभी पैर्स बनाकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस शुरू करो। चलो जल्दी करो। आई एम सॉरी तामाचन। मारुचेन, चलो करते हैं होनामी-सान। क्या? आई एम सॉरी मारुचेन। सकुरा-सान, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है ना? चलो तुम मेरे साथ करो। हाँ ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
मैं क्या करूं? क्या बात है मारू जैन? वो मैं सोच रही थी कि क्या तुम आज मेरे साथ खेलोगी। I'm sorry, लेकिन आज मैं मॉम के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। अच्छा, तो कल कैसे रहेगा? कल संडे है। लेकिन मुझे तो कल अपने पियानो लेसन के लिए जाना है। हुँ? लेकिन संडे तो तुम्हारे पियानो क्लासेस नहीं रहते हैं ना? I'm sorry, हम फिर कभी खेलेंगे। हाँ शायद, तामा चैन बहुत अच्छी है, इसीलिए वो तुम पे चिल्लाई नहीं। फिर कभी, तामा चैन तो झूठ बोल रही है, वो सच में मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती। शायद उसे वो कुसुतामा बहुत पसंद था। हाँ, अब मैं उससे कैसे माफी मांगूं? मारुको। हाँ? दादाजी। मुझे कल के लिए माफ कर दो। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। वाह, ओरिगामी। हाँ हाँ, और इतने सारे, बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे पास लिली यान है? एक मिनट आती हूँ। दीदी। ओह, इधर नहीं है। लिली यान, लिली यान। हाँ, मिल गया। रविवार के दिन। गुड मॉर्निंग पापा। तो तुम्हारी सुबह अब हुई है? मैं थोड़ी देर तक सो गई। जल्दी से ब्रेकफास्ट करके कुसुदामा बनाना शुरू करना होगा। आखिर तुम उठ गई। अच्छा मारुको, तुम्हारी दीदी आज बहुत परेशान लग रही थी, क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? मुझे नहीं पता। दीदी कहाँ है? वो योशिको-सान के घर गई है। हा? हा? शायद वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने उनका लिलियन उन्हें बिना बताए इस्तेमाल किया था। मुझे बाद में उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। ये लो, ये हो गया। यिप्पी। I'm sorry, तामा-चान। तामा-चान, I'm sorry। अरे, मारू-चान। हाँ? तामा-चान। क्या बात है? मतलब वो। हनामी-सान। फुयुटा-सान। हेलो, साकुरा-सान। कैसी हो? फुयुटा-सान यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तामा-चान इसके साथ खेलना चाहती थी। मैंने सही सोचा था, वो पियानो लेसन बस एक छूट था। कल की जिम क्लास के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके अच्छा लगा। फिर से थैंक यू। नहीं, उसके लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। हनामी सर, ये तुम्हारे लिए, ये मेरी फेवरेट है। फिर मिलेंगे। मारू-चान, आई एम सॉरी। कल के जिम क्लास में फुयुटा-सान ने मुझे तुमसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए कहा। क्या ऐसी बात है? हा? मैं बस अभी अभी पियानो क्लास से लौट रही हूँ। सिर्फ इस हफ्ते टीचर ने क्लास को संडे शिफ्ट किया था। अच्छा। वो ये लो। हा? उस दिन भी मैं वो तुम्हें देने के लिए ही बना रही थी। क्या मेरे लिए? उस दिन मॉम ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेजा था, तो मैं ये ओरिगामी पेपर्स ले आई और मैंने फिर से बनाया। शायद इसलिए जब मैंने फोन किया था तो ये घर पे नहीं थी। तामा-चान, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारा कुसुदामा बिगाड़ दिया? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। सच में? हाँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। ये लो। हाँ? मैंने इसे दादी माँ की मदद से तुम्हारे लिए बनाया है। ये लो। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा वाला बिगाड़ दिया। बहुत सुंदर है। हाँ, ये भी सुंदर है। हाँ, पता नहीं इसमें क्या है। क्या ये सच में फुयुटा-सान की फेवरेट चीज है?
मुझे अच्छा लग रहा है। तामाचान मुझसे नाराज नहीं है। लगता है मैं अभी तक गलत सोच रही थी, शायद दीदी भी मुझसे नाराज नहीं होंगी। मारुको, तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे लीली यान को कैसे इस्तेमाल किया? मैं योशिको सान के साथ मिलकर कुसुदामा बनाना चाहती थी। मारुको की दीदी तमाचान की तरह बिल्कुल भी नहीं है।